जनपद में गुरुवार से 199 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के लिए 199 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और केंद्र व्यवस्थापक के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है तथा सभी केंद्रों पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा, परीक्षा वाले दिन सभी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहेंगे, जिसके लिए सभी मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया है। वह सभी लोग सभी परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण करके जानकारी दे रहे हैं। जिस भी केंद्र पर कोई कमी पाई जा रही है उसको दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाया गया है, जिसके लिए मॉनिटरिंग सेल को स्थापित किया गया है और मॉनिटरिंग सेल से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी और उड़न दस्ता ऐसे परीक्षा केंद्र जहाँ पिछले साल किसी तरह की गतिविधियाँ हुई थी वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हमारे शासन द्वारा 199 केंद्र अनुमोदित किए गए हैं, उसमें केंद्र व्यवस्था के साथ समन्वय के साथ सारा प्रबंधन व्यवस्था की गई है। पुलिस के डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश किया गया, मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और भ्रमणशील रहेंगे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स, उनका प्रशिक्षण किया गया। वो लगातार अभी भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं, अवस्थापना में कुछ कमी है तो उसको सुधार किया जा रहा है और एक सारे हमारे परीक्षार्थियों के लिए सुगम व्यवस्था हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और कंट्रोल रूम हमारा क्रियाशील है, उसमें सभी कैमरा जो लगे हैं परीक्षा केंद्रों में, कक्षाओं में, उसका सीधा प्रसारण हम मॉनिटर कर रहे हैं। और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हमारे उड़न दस्ते टीम लगातार जितने भी ऐसे तथ्य हैं जिन केंद्रों में पिछले सालों में कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो उन पर निगरानी रखी जा रही है और वहाँ अगर कोई भी बात ऐसी मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।